जहाँ तक न्याय का मामला है और कानून का मामला है, उसकी स्थिति बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत पहले स्पष्ट की थी कि आप न्याय की प्रक्रिया को लागू तो कर सकते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? उसका क्रियान्वयन जो है वो सिविल सर्विसेज के लोग करते हैं, यानी कि पुलिस करती है, यानी कि आईएएस ऑफिसर या वहाँ का डीएम या कलेक्टर करता है। बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स को कोट करते हुए कहा कि कार्ल मार्क्स ने पेरिस कम्यून में कहा था कि अगर जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो परिवर्तन के प्रति अगर प्रेरित नहीं हैं और वो परिवर्तन के इच्छुक नहीं हैं, तो जो न्याय व्यवस्था है वो नहीं लागू हो सकती, वो इफेक्टिव नहीं होगी। यद्यपि लागू तो हो सकती है, उसको आप लगा तो सकते हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं होगी, क्योंकि क्रियान्वयन, न्याय व्यवस्था का क्रियान्वयन जो है वो सिविल सर्वेंट्स यानी के जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, कर्मचारी तंत्र है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर वो कर्मचारी तंत्र परिवर्तनगामी नहीं है और वो नहीं चाहती है कि परिवर्तन हो, तो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं लग सकती। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि लेनिन ने जब परिवर्तन किया रशिया में, तो उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया, और भारत में ये नहीं हो पाया ऐतिहासिक काल में। यद्यपि अंग्रेज लोग चाहते जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें उसी यथास्थितिवादी लोगों को रखा जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर न्याय व्यवस्था को मजबूत होना है तो न्याय व्यवस्था के अंदर हमको जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, यानी कि समाज की विविधता, उसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों को उनमें नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एकांगी हो जाएगा, मोनोलिथिक हो जाएगा, उसमें एक ही समाज के लोग रहेंगे, तो प्रभावी न्याय व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। और भारतवर्ष में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो अगर बेईमान होती, केवल अगर वो करप्ट होती, तो वो दोनों ही पार्टी के लिए खरीद फरोख्त के लिए खुली होती, एनी बडी कैन बाई दी ब्यूरोक्रेसी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी क्यों जातिवादी है, और इसलिए ये जो जाति के आधार पर जो है काम होता है, और इसलिए न्याय व्यवस्था का इफेक्टिव प्रभावशील होना बड़ा मुश्किल है। और अगर सचमुच हमको न्याय व्यवस्था को प्रभावी बनाना है तो भारतवर्ष में ब्यूरोक्रेसी के अंदर समाजों का स्वप्रतिनिधित्व, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, और इसीलिए कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन की मांग की थी, जो कि पूरी नहीं हुई। इसलिए कानून है तो जरूर, SC ST एक्ट है, SC ST एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अपराध निवारक नियम 1979 है, लेकिन क्या वो प्रभावी रूप से लागू हुआ है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं।